हेलो फ्रेंड, दिस इज शार्क टॉक और आप देख रहे हैं मूवी। आई एम सो सॉरी फ्रेंड, मेरा वीडियो का दिन से नहीं आ पा रहा था क्योंकि मेरे कंप्यूटर में थोड़ी सी प्रॉब्लम हो गई थी फ्रेंड। तो मैं अपना कंप्यूटर ठीक कराकर एंड मोबाइल ठीक कराकर आपको वीडियो देने आ गया हूँ। आपके केमिस्ट्री के पेपर 6 तारीख से स्टार्ट हो रहे हैं और आपकी पूरी यूपी बोर्ड की परीक्षा है 6 तारीख से स्टार्ट हो रहे हैं। तो फ्रेंड्स, मैं आपको सारे का सारे सब्जेक्ट के इंपॉर्टेंस दे दूंगा और आप सारे मेरे इंपॉर्टेंट्स की तैयारी कर लीजिएगा। मेरे हाथ में केमिस्ट्री के इंपॉर्टेंट्स है और मैं इंग्लिश के भी दे दूंगा, फिजिक्स के भी दे दूंगा। तो आप उसे तैयार करके यूट्यूब पे मेरा चैनल सब्सक्राइब करके आप देख लीजिएगा। सो फ्रेंड्स, जो जितना मैं देता जा रहा हूँ उतना पढ़ते जाइए और उसकी कॉपी बना लीजिए नोट्स की, तो आप तैयार कर लीजिएगा धीरे धीरे। यहाँ पर लिखा है फ्रेंड, यूट्यूब सब्सक्राइब होम फ्रिक। आप मेरा चैनल यूट्यूब पर सब्सक्राइब कर सकते हैं। आप सब्सक्राइब करने के बाद मेरे वीडियो देख लीजिए, फिर जितने मैं नोट्स देते जा रहा हूँ उतने आप सीधे सीधे कॉपी में लिख लीजिएगा फ्रेंड। ओके फ्रेंड, सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल। हेलो फ्रेंड्स, ये देखिए आपकी आ गई है डायरेक्ट जी पार्ट में 13-10 तारीख की रिएक्शन। तो फ्रेंड्स, आप ये सारी रिएक्शन जो मैं अभी देने जा रहा हूँ आपको, ये सारी रिएक्शन तैयार कर लीजिए। एकदम मोस्ट इंपॉर्टेंट रिएक्शन है फ्रेंड्स, 3-3-4-4 नंबर में ये आपकी आनी ही आनी है। ये देखिए, व्हाट हैपेंड व्हेन, ये आपसे क्वेश्चन में पूछा जाएगा। व्हाट हैपेंड व्हेन यानी कि क्या होता है जब, क्या होता है जब में एक क्वेश्चन करके आता है। तो पहला है, क्या होता है जब एमीन की क्रिया नाइट्रस अम्ल के साथ कराते हैं। एमीन की क्रिया, एमीन रिएक्ट्स विद नाइट्रस एसिड। एमीन की क्रिया नाइट्रस अम्ल के साथ कराते हैं, ये आपकी पहली क्रिया हो गई। एमीन की क्रिया नाइट्रस अम्ल के साथ कराते हैं। ये व्हाट हैपेंड व्हेन में पूछा जाएगा फ्रेंड्स आपसे, व्हाट हैपेंड व्हेन क्या होता है जब। और आपकी 31 रिएक्शन हो गई। 30 में रिएक्शन आपको दे चुका था फ्रेंड्स, याद कर लीजिए दोबारा। बेंजीन डाई एजोनियम क्लोराइड के साथ आपने, मैंने लास्ट रिएक्शन दी थी वो आप दोबारा याद कर लीजिए फ्रेंड्स। तो 31 आपकी हो गई, एमीन की क्रिया नाइट्रस अम्ल के साथ कराते हैं। और 32 रिएक्शन हो गई आपकी, ये PCl5 एक रिएक्शन है और एक PCl3 है और SOCl2 है। ये देखिए फ्रेंड्स, कंपाउंड्स हैविंग OH ग्रुप रिएक्ट्स विद, यानी कि OH ग्रुप में रिएक्शन होती हैं। पहली रिएक्शन होगी आपकी PCl5 के साथ होती है, फिर PCl3 के साथ होती है, फिर SOCl2 के साथ होती है। ये भी फ्रेंड्स OH समूह वाले यौगिक PCl5, PCl3, SOCl2 से क्रिया कराते हैं। ये है आपकी 32वीं रिएक्शन 32। और 33 रिएक्शन हो गई, एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स रिएक्ट्स विद HCN, NaH, SO3 और CHCl3। ये आपकी 33 रिएक्शन हो गई, एल्डिहाइड एंड कीटोन रिएक्ट्स विद HCN, NaH, SO3 और CHCl3। और 34 रिएक्शन हो गई कि एल्डिहाइड एंड कीटोन रिएक्ट्स विद NH2OH, NH2OH, फिर NH2NH2, फिर NH2CONH, CONH, NH2, फिर हो गई C6H5, NH2NH2। ये फ्रेंड्स आप दोबारा देख लीजिए, NH2NH2 हो गई, NH2CONH2, फिर C6H5NH2। ये हो गया आपकी 34। 35 रिएक्शन हो गई आपकी, एल्डिहाइड एंड कीटोन रिएक्ट विद टॉलरेंस रिजेंट। ये आपको सब अवतार में मिल जाएंगे, एल्डिहाइड एंड कीटोन रिएक्ट विद टॉलरेंस रिजेंट। फेलिंग सॉल्यूशन हो गया आपका पहला, फिर HNO3। ये आप सारी रिएक्शन है फ्रेंड्स तैयार कर लीजिए फटाक से, एल्डिहाइड एंड कीटोन रिएक्ट विद टॉलरेंस रिजेंट, फेलिंग सॉल्यूशन, HNO3। ये आपकी 35 रिएक्शन हो गई, बाकी मैं आपको कल दे दूंगा फ्रेंड्स। ये देखिए बाकी भी हैं आगे, आपको मैं कल दे दूंगा। पहले आप फिर देख लीजिए, एमीन की क्रिया नाइट्रस अम्ल के साथ कराते हैं, फिर PCl5 कंपाउंड हैविंग विद OH ग्रुप, PCl5, PCl3, SOCl2, फिर OH समूह वाले हैं कि PCl5, HOCl2, फिर SOCl2 से क्रिया, फिर एल्डिहाइड एंड कीटोन्स वाले, फिर HCN, NH3। ये आपकी सारी रिएक्शन दोबारा आप देख लीजिए फ्रेंड्स। ये देखिए दोबारा, एल्डिहाइड एंड कीटोन रिएक्ट्स विद NO3। सो फ्रेंड्स, आप मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए फ्रेंड्स, तो आप इसे देख लीजिए। और ये वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्रियाएं हैं, आप इसे एक अलग कॉपी में बना करके लिख करके आप इसे तैयार कर लीजिए। सो फ्रेंड्स, सब्सक्राइब माय चैनल, व्यू माय वीडियो एंड प्लीज़ आप वीडियो देख करके एक कॉपी में बना लीजिएगा। सो फ्रेंड्स, बाय, टेक केयर। मैं आपको अगली वीडियो कल प्लीज़ मैं दे दूंगा। सो फ्रेंड्स, सब्सक्राइब माय चैनल प्लीज़।